नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका सबका स्वागत है। ये मैंने आज नया टेस्टर, करंट टेस्टर परचेस किया है, उसका अनबॉक्सिंग कर रहे। JEDEC का P100 Pro इसका टेस्टर का नाम है। इसका यूजर मैनुअल है, उसमें टेस्टर के बारे में सब जानकारी दिया हुआ है। इसमें कार के लिए सेंसर वगैरह, करंट टेस्टर वगैरह, इससे करंट वगैरह चेक करने के लिए ये अच्छा सा टूल है। इस वीडियो में इसका खाली अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके फंक्शन के बारे में अलग अलग सा वीडियो जो आएगा उसके ऊपर अपन इसके अलग अलग फंक्शन पूरे देखेंगे। तो इसमें ये मेन इक्विपमेंट है इसका टेस्टर, एक अलग अलग कलर में आता है, लाल पीला हरा बहुत से कलर में आता है, मगर ये अपनी चॉइस नहीं रहता, कंपनी जो बेचता है। ये इसका USB पोर्ट है, इसको अपन इंटरनेट से अपडेट भी कर सकते हैं, इसका फ्री अपडेट आता है। इसके साथ में ये क्लैंप दिया हुआ है, ये इसका इनबिल्ट बैटरी वगैरह नहीं। इसमें जो कार का बैटरी रहेगा उस पर अपन इसका इसको लगा के चला सकते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा लंबा वायर दिया हुआ है, कार के लंबाई जो रहता है उतने हिसाब से अपन इसका टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ में 1 मीटर का लाल कॉर्ड दिया हुआ है, इंजन कंपार्टमेंट में जो सेंसर वगैरह, वायरिंग वगैरह चेक करने के लिए ये आसान कॉर्ड दिया हुआ है। इसके साथ में आगे का निडल लगा के अपन कोई भी इक्विपमेंट चेक कर सकते हैं। इसमें ये USB केबल भी दिया हुआ है, इसको केबल लगा के भी अपन इसको ऑन कर सकते हैं। ये इसका निडल, दो निडल पिन दिया हुआ है, एक जाड़ा वाला है और एक छोटा सा आता है। ये इसको टेस्टर के ऊपर भी बैठ जाता है और इसमें ये लाल कॉल को भी ये बैठ जाता है। ये छोटा निडल पिन दिया हुआ है, जो वायरिंग सॉकेट रहता है उसका निडल, इसमें अंदर जाके अपन इसे आसानी से इसको चेक कर सकते वायरिंग को। इसके ऊपर टेस्टर के ऊपर 2 LED नाइट मोड के लिए LED बल्ब दिया हुआ है, नाइट के टाइम भी इसका अपन काम कर सकते हैं। ये इसका क्लैंप दिया हुआ है, ये इसको इस टेस्टर को इसमें इस सॉकेट में कपलर में फिटिंग करना पड़ता है। इसको अभी फिटिंग करेंगे। इसमें सॉकेट ऐसा दिया हुआ है कि पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव ही बैठेगा, नेगेटिव जगह नेगेटिव कॉर्ड बैठता है, अलग से बैठेगा नहीं। ये इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट बैटरी पे अपन चेक कर सकते हैं। ये 9 वोल्ट से 30 वोल्ट तक ये टेस्टर काम करता है, यानी 24 वोल्ट का ट्रक वगैरह का काम भी जो मैकेनिक भाई करते इसके लिए भी ये टेस्टर यूज कर सकते, क्योंकि 30 वोल्ट तक इसका कैपेसिटी दिया हुआ है। इसमें जो फंक्शन है ये मल्टीमीटर फंक्शन है, इसमें 3 मोड दिया हुआ है कंपनी ने। खाली इसका में सेंसर जो रहता है तो इसको 0.5 से 5 वोल्ट तक इसके अपन सेंसर फ्रीक्वेंसी वगैरह और ड्यूटी साइकिल चेक कर सकते हैं। नीचे के वो इसमें इसका होल्ड का कैपेसिटी, ये अपन कितना एम्पेयर से कितना होल्ड देने का है ये भी जान दे सकते। इसको देखो, ये इसमें 0.5 वोल्ट तक इसका आगे का मोस्ट टेस्टर का निरल पिन को अपन वोल्टेज दे सकते। मल्टीमीटर में इसका फंक्शन देखेंगे, इसका वोल्टेज मोड, सेकंड मोड में इसका रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर सकते हैं, और थर्ड मोड में इसका डायोड वगैरह चेक कर सकते हैं। का जो मोड है ऑसिलोस्कोप का फंक्शन दिया हुआ है, इसमें अपन ड्यूटी साइकिल वगैरह इसमें चेक कर सकते हैं, सेंसर का फ्रीक्वेंसी वगैरह इसमें
पूरा डिटेल से चेक कर सकते हैं। ये जो आगे का इसका आगे का जो फंक्शन है, इसको अपन आगे का निडल पे कितने एम्पीयर से करंट देने का, ये भी इसमें मैन्युअली दे सकते। इसमें इसका डीआर वगैरह चेक करने के लिए इसको ऑटो फंक्शन मोड दिया हुआ है, तो अपन इसे करंट को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। बहुत से फंक्शन दिया हुआ है कंपनी ने, अलग अलग फंक्शन के लिए मैं पूरा एक एक अलग सा वीडियो आपको देने वाला हूँ, मगर ये खाली अनबॉक्सिंग है इसलिए ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसमें ये फंक्शन जो जो फंक्शन दिया हुआ है, अच्छा सा फंक्शन दिया हुआ है, इसमें अलग अलग सा लैंग्वेज वगैरह सब इसमें दिया हुआ है, और इसमें फ्री अपडेट है। इसमें इसे इंटरनेट से अपन इसको अपडेट भी कर सकते हैं, इसका अपडेट के लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं। तो इसको ये देखो, इसका मैंने अभी एक टू व्हीलर को टेस्टिंग किया हुआ है, ये इसका निगेटिव मोड वगैरह वोल्टेज लगी, निगेटिव मोड पे कॉल लगाएंगे तो इसका खाली निगेटिव इलेक्ट्रोड ये बताएंगे, पॉजिटिव को लगाएंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव कॉल ये बताएंगे और वोल्टेज भी इसमें दिखाएंगे। ये देखो बहुत ही अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा इसको नई टेक्नोलॉजी के लिए, तो ये टूल हो सकता है। इसके अलग अलग फंक्शन के लिए अपन अलग सा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।